फिर मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? ढाई महीने तो बहुत देर हो जाएगी। सलोनी, हमारी शादी के बाद ये तुम्हारा दूसरा बर्थडे होगा जब मैं तुम्हारे साथ में चाहकर भी नहीं, क्योंकि तब तक मौत मुझे तुमसे दूर, बहुत दूर ले गई होगी। सिंदूर ले आई ना सलोनी? नाहर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है सलोनी? सलोनी, बातें बाद में करना, बहुत भूख लग रही है, पहले रस्में खत्म करेंगे। सलोनी बेटी, अपने पति के पैर छुओ, आशीर्वाद लो उनसे। तुम सबकी पूजा ईश्वर स्वीकार करे, सुहाग भाग सब अमर रहे सबका। नाहर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पहले कुछ खा लो ना, फिर जितनी बातें करनी है करते रहना। तू भी सुबह से भूखी है, और तेरा नाहर भी तो, जिसने व्रत रखा है तेरे साथ साथ। चलो नहर, बड़े दिनों के बाद घर का खाना खाने को मिल रहा है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो बहुत बढ़िया फिल्म बना ली मैंने। हैं? नहर, अरे तुम चलो ना, सब लोग वेट कर रहे हैं खाने के लिए, जाओ तुम आते अभी। चलो, अरे अच्छा लगता सलोनी। क्या बात है? तुम्हें कुछ बताना है। तो यही बता दो। सलोनी यहाँ नहीं, तुम आओ मेरे साथ। नार, नार क्या बात है, तुम मुझे बताओगे? सब नीचे इंतजार कर रहे हो तुम। थैंक गॉड। क्या बात, क्या है? इस टेप में मैंने सलोनी के लिए अपनी भावनाएं रिकॉर्ड करके छोड़ दी हैं। ढाई महीने बाद उसका बर्थडे है। मैं चाहता हूं कि उस दिन तुम्हें टेप उसे दे दो। मैं क्यों, तुम खुद दे दो। I'm sorry. अरे नार बनना, देखिए ना कहां रह गए। आप भी राजो, मैं बुला कर लाती हूँ। जी, जी। इस टेप को घर में रखना बहुत रिस्की होगा। अगर किसी के हाथ लग गया तो मेरी मौत से पहले ही मेरे घर का हर सदस्य हर पल एक मौत मरेगा। अरुण, इसे अपने पास बहुत संभाल के रखना। कुछ भी हो जाए, सलोनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हरी धव ने ये नार बनना सलोनी से क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है?
सलोनी, मुझे क्या बात है? अचानक कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? चलो नाहर, नीचे चलो। नहीं वरुण, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। मैं इस हालत में सब लोगों के सामने नहीं आ पाऊंगा। नाहर, इसीलिए मैं कहता हूँ सबको सच बता दो। अगर तुमसे नहीं होता है तो मैं जाके सलोनी को बताता हूँ। सलोनी, क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रही हो। सलोनी बेटा, कहाँ जा रही हो? देखो नार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, एक डॉक्टर भी हूं। कम से कम सलोनी को तो बता दो। हर वक्त तुम्हारे साथ किसी का रहना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारी देखभाल कर सके, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ। और जो मुझे देख देख कर घुट घुट कर मरती रहे। वरुण, इस वक्त मैं एक पेशेंट नहीं, एक दोस्त होने के नाते कुछ मांग रहा हूं। तुम सलोनी से कुछ नहीं कहोगे? तुम नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। सलोनी, तुम यहां नीचे। नाहर तुम्हारी रिपोर्ट कर लेंगे। वो एक्चुअली नाहर की कंपनी का कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया था, उसे साथ में लेके आए थे, बस उसी की रिपोर्ट की बात हो रही थी। वरुण, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात? या नहीं, चलो। ये सब क्या हुआ है नाहर को? कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो टेप मैं सुन चुकी हूं वरुण, मुझे बताओ क्या नाहर सच में। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे नाहर ने, मुझसे। क्या लगा था उन्हें कि उनके गम में मैं उनका साथ नहीं दे पाऊंगी? हमने सारे दर्द, सारी खुशी मिलकर बांटने का फैसला किया था, फिर नाहर मुझे इस मोड़ पर छोड़कर, और तुमने भी उनका साथ दिया। पर क्यों? ये
ये हकीकत मुझे नहीं बता सकते थे तुम। खुद को दोस्त कहते हो उनके, ये दोस्ती निभाई तुमने? क्या एक डॉक्टर, एक दोस्त ये नहीं जानता कि जिंदगी के इस मुकाम पर नारकोफ्टों की कितनी जरूरत होगी? तुमने उनके अपनों को ही उनसे दूर रखा। मैं मजबूर था, मैं भी यही चाहता था कि सबको सब कुछ बता दूं, मगर नहार तुम्हें अपने साथ मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। अकेले अकेले ही सारा दर्द झेलना चाहते थे वो। ऐसे वक्त पे भी उन्हें हमारी खुशियां दिखाई दी। सलोनी, संभालो अपने आप को, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। नहार बहुत बहादुरी से इस तूफान को झेल रहा है, अगर उसने हमें टूटते हुए देख लिया तो वो भी टूट जाएगा। सलोनी, वक्त के साथ साथ बीमारी के कुछ और असर नजर आएंगे, हो सकता है थोड़े वक्त बाद उसके हाथ पांव चलना बंद कर दें। टेम्पररी पैरालिसिस हो जाए, इसलिए तुमको उसका बहुत ख्याल रखना होगा। अपने आंसू पहुंचो, नीचे चलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूं। ठीक है। जीऊंगी मैं अपने नहार के बिना? Thank you.
अगर नार मेरे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते तो उन्हें ये आंसू कभी नहीं देखेंगे। मैं अपने नार को हारने नहीं दूंगी, मैं अपने नार को कभी हारने नहीं दूंगी। नाहर बेटा सलोनी कहाँ है? बाबू मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे से आ रहा हूँ। अरे मुझे लगा वो तुझे लेने गई होगी, और कुछ दुखी से लग रही थी। अजीब हो तुम सलोनी, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? अरे सलाइली जी, अपना नहीं तो कम से कम नहार बनना का तो ख्याल रखिए। अब हट्टा कट्टा शरीर है इनका, कम से कम तो 4-5 बाजरे की रोटियां मांग रहा होगा। तुमने चेंज भी नहीं किया अभी तक। नहर नहर, न जाने क्यों आज ये बदलने का मन ही नहीं कर रहा है। दिल चाहता है कि इसी तरह आपकी दुल्हन बनी रहो। लेकिन मेरी इस दुल्हन में एक कमी है, और वो कमी मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम अपनी आंखें बंद करोगी। क्यों? मैंने कहा ना आंखें बंद करो। अच्छा
आंखें खोलो। अभी नहीं बाबा, रुको। जल्दी कीजिए ना। ये हार? हाँ, तुमने ही कहा था ना, जब हम श्वेता की शादी करेंगे तो उसे नौलखा हार गिफ्ट करेंगे। तो जब श्वेता की शादी होगी तुम्हें हार उसे गले में डाल देना। मैं क्यों? आप लाए हैं तो आप ही पहना दो उसकी शादी में। वो तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? हाँ, वो वरुण के बारे में। वरुण के बारे में? हाँ, ये आपका वरुण सचमुच का डॉक्टर है या फॉरेंसिक कोई झूठी डिग्री लेकर यहाँ पर आया है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा सीरियस से होते हैं, लेकिन वरुण के पास जोक्स का खजाना है। पता है उसने मुझे कौन सा जोक सुना है? सुनो, एक औरत दुकानदार के पास गई और उसने पूछा कि मुझे शीशा चाहिए। तो दुकानदार पूछता है, हाथ का शीशा चाहिए? औरत कहती है, नहीं, मुंह का शीशा चाहिए। हाथ तो मैं ऐसे ही बिना शीशे के देख सकती हूं। अरे नहर, तुम तैयार नहीं हुए? जॉगिंग चलना है भाई, और आज तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ देखना, मैं ही जीतूंगा। भाई साहब, आज मेरा मन नहीं है, आप चले जाइए। कम ऑन यंग मैन, अपने मन को मनाओ। ये क्या बीमारों की तरह बातें कर रहे हो तुम नहर? कम ऑन, गेट अप। भाई साहब, इन्हें आप रहने दीजिए, आज अलमारी साफ करने में मुझे इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो तो तुम अकेले भी कर सकती हो सलोनी। हाँ, वो इनके कोई पेपर वेपर गुम हो गए हैं मुझसे, अगर नहीं मिले तो जवाब देना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे नहर, तुम्हें यंग मैन कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम तो बुढ़ापे की तरफ जल्दी जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलो मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, जूस। अरे बाद में भाई। ओहो, अरे नहर बनना लीजिए ना जूस। अरे अब अपने हाथों से दूंगा तभी लेंगे क्या आप? चलिए ठीक है, ये लीजिए। पकड़िए ना। नाहत, कवर सा इतने प्यार से बना कर लेकर आए हैं, आपको तो पीना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे ना लगे। आलसी नंबर एक हो गए हैं आप। आज सारे घर के काम आप ही से करवाऊंगी, देख लेना। हाँ, ये सही है। मेरा हाथ कुछ ऐसा रह गया जैसे कि उसमें जान ही ना हो। लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने हाथ को उठा नहीं पाया। नहर, तुम्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। वो तो निश्चित है ना वरुण। तो हॉस्पिटल के बंद कमरे में
एड़ियां रगड़ते हुए अपनी मौत का इंतजार करने के बजाय क्यों ना कुछ पल अपनों के साथ जी लूं मैं। नहार देखो मैं बात समझने की कोशिश करूं, हॉस्पिटल में तुम्हारी सही तरह से देख रेख होगी, शायद तुम्हें कुछ और दिन। वरुण मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। नहार। अरे मन्ना भाभी आप यहाँ? जी तेरा बेटा। ये ना भाई, दामाद सासों की परवाह करें या ना करें, लेकिन हमें तो अपना धर्म निभाना है ना। आप तो कबीरगंज गए और वहां के पेड़े भी नहीं लाए। हमारे यहां से कोई आ रहा था तो हमने कहा भाई पेड़े ले आओ, लो चखो। वाह भाई, कबीरगंज जो जाए और पेड़े की दुकान की सजावट ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, देखने में तो बिल्कुल राजस्थान से है और सजावट टिपिकल मारवाड़ी। क्या छुपा रहे हो सलोनी से नहार बनना? क्या मैंने क्या छुपाया? धारी धौने, कितनी सफाई से झूठ बोल गए तुम मुझसे भी और सलोनी से भी। आप कबीरगंज नहीं गए, मैंने उस दिन आपको वरुण के साथ हॉस्पिटल में देखा था। ये पेड़े मैंने कबीरगंज से नहीं मंगवाए, बगल की दुकान से खरीदे हैं। आपसे सच बुलवाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। क्या खेल खेल रहे हो मेरी बच्ची के साथ? ये मनो दामाद की इज्जत का मतलब जानती है, लेकिन उस इज्जत को अपनी बेटी की खुशियों के आड़े नहीं आने देगी। मेरी बच्ची की आंख में आंसू आए तो मैं हर रिश्ते को भुला दूंगी। धारी धौने, तुम उस सलोनी को धोखा दे रहे हो जिसने खंभा बन के हर कदम पर तुम्हारी हर मुसीबत हर परेशानी में तुम्हारा साथ दिया। एक पति अपनी पत्नी से तभी कुछ छुपाता है जब उसके दिल में चोर हो। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं मन्नू, सलोनी के साथ मैं दगा नहीं कर, मेरी जिंदगी दगा दे रही। जो बात मैं उससे छुपा रहा हूं उसके अपने भले के लिए, अगर वो सच उसके सामने आके उसके आंसुओं को आपके फिर दादा भी नहीं रोक पाएंगे। सच ये है मन्नू भाभी कि मेरे पास मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आपकी सलोनी के मां का सिर्फ कुछ पलों का मेहमान।